सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यार उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। अब दूसरे किसी भी फील्ड में कितने भी आगे चले जाओ, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 को हमारे एजुकेशन सिस्टम का नया पॉलिसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट मिनिस्ट्री ने यार अप्रूव कर दिया है। इस पॉलिसी के अंदर किन चीजों को इंक्लूड किया गया है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते समय कौन से प्रॉब्लम्स यार आ सकती है, इस चीज को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, आज की वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज तक हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चल रहे थे, 10+2 के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चल रहे थे, जिस सिस्टम में हम लोग अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, उसमें यार लास्ट 30 ईयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। लास्ट 30 ईयर्स में उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। पिछले 30 ईयर्स में कई सारे चेंजेस आ चुके होंगे, सोशल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में यार कोई भी चेंज नहीं लाया गया था। इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी यार, जो हमारे नए पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अभी तक हम लोग 10+2 के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन हमारे नए एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसी के हिसाब से अब हम लोग 5+3+3+4 के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। अभी तक हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे उसके हिसाब से एक स्टूडेंट की एजुकेशन 5 साल की उम्र से शुरू होती है, यानी 5 साल की उम्र तक ऑफिशियली किसी भी एजुकेशन सिस्टम को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हमारे नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 3 साल से लेकर 18 साल तक के सारे एजुकेशन को ऑफिशियली ग्रांटेड कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली अब आपकी एजुकेशन 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी। यानी अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी जो रिसेंटली नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी 5+3+3+4, ये नया एजुकेशन सिस्टम यार ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ग्लोबली अगर आप फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यार प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था। नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, जहां पर आपको चीजों को समझने में, चीजों को ग्रैप करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्लास 5 तक अब आप लोग लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। अगर किसी भी रीजन को लेकर के आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो तो अगर आप चाहो तो अपने लोकल लैंग्वेज में भी जरूर पढ़ सकते हो। क्लास 5 तक आपको ये फ्रीडम यार मिल जाती है। अब इस चीज को लेकर के कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कई सारे बच्चे जो इंग्लिश में या फिर हिंदी में प्रेफर नहीं कर पाते हैं, जो अपने लोकल लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है, उन सभी बच्चों के लिए यार ये एडवांटेज जरूर होगा। लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट यार, हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर आपको कई सारे लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। अगर एक स्टूडेंट क्लास 5 तक अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करता है तो क्लास 6 से उसको कई सारे डिफिकल्टीज फेस करने को मिल सकता है। तो इस चीज को लेकर गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो हम लोग यार आगे देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, अब यार क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। पर्सनली यार मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यार आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा है, सॉफ्टवेयर की फील्ड में डेवलपमेंट चल रहा है, एक बच्चे को कोडिंग सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोडिंग को इतने कम उम्र में आपके एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है, कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाए तो कई सारे बच्चे यार इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब इस चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स को तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन इस चीज का नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट यह, कई सारे स्कूल्स में कंप्यूटर का, इंटरनेट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। वहां पर कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाना गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आप सही तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो तभी ये फ्रूटफुल हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको क्लास 6 से एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को, स्किल बेस्ड नॉलेज को, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। यानी नई पॉलिसी के हिसाब से आपके एजुकेशन सिस्टम में वोकल लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी अब से आप अपने एजुकेशन सिस्टम में प्लम्बिंग सीख सकते हो, कारपेंट्री सीख सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारे के सारे चीजें आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होंगे। ये सारे के सारे चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बच्चा अगर एकेडमिक में परफॉर्म नहीं कर पाता है तो फ्यूचर में इन सभी चीजों को लेकर के कई सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में भी कई सारे ऐसी चीजें होते हैं जहां पर हमें इन स्किल्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन इन चीजों को हमारे एकेडमिक्स में, हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं किया गया था, इसलिए हम इन चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते। हमने हमारे करिकुलम में करंट लिटरेसी पढ़ लिया, लेकिन आज तक हम लोग सही तरीके से एक बल तक चेंज नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज को एकेडमिक में इंक्लूड कर पाना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब से स्ट्रीम में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यानी आप सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट नहीं रह जाओगे, आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं रह जाओगे। अगर स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स के साथ फाइनेंस पढ़ सकता है, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। आपका जिस किसी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को लेकर आप आसानी से पढ़ सकते हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे कई सारे बच्चों का फायदा मिलेगा। पहले क्या होता था, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते थे जो एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपके स्ट्रीम में वो सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, इसलिए जबरदस्ती उस बच्चे को वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब यार उस चीज को इम्प्रूव कर दिया जाएगा, आपके स्ट्रीम में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी। आप जिस किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ सकते हो। अगर एक बच्चा चाहे तो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ सकता है। लेकिन इस चीज को लेकर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको कहूँ कि यार फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से अगर आप एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हो
क्योंकि यार यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फिजिक्स के कई सारे टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि कैलकुलस का टॉपिक होता है, मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलस है, उसके कई सारे इंप्लीमेंटेशन आपके फिजिक्स में देखे जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर एक बच्चा डिसाइड करे कि मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूँ फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, तो वहां पर यार कई सारे डिफिकल्टियां हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज को लेकर क्या स्टेप लेता है, इस चीज को देखने की जरूरत है। नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई सारे चेंजेस आ जाएंगे। रिसेंटली यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन आगे चल के इस चीज को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंप्रूव कर दिया जाएगा, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्वांटिटीज को इंप्रूव कर दिया जाएगा, और इससे भी यार कई सारे बच्चों को इस चीज का फायदा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कई सारे चेंजेस लाए गए हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक बच्चा चाहे तो कॉलेज में अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ ही साथ माइनर सब्जेक्ट में भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर आपको देखने को मिला था, कॉलेज में भी उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। माइनर सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आसानी से पढ़ सकते हो, तो इस चीज का एडवांटेज कई सारे बच्चों को देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलेज के दौरान किसी भी रीजन को लेकर के अगर एक स्टूडेंट अपना एजुकेशन छोड़ता है, बीच में ही छोड़ देता है, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद वहीं से वो अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है। काफी जरूरी स्टेप है और इससे कई सारे बच्चों का फायदा मिलेगा। अगर एक बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद अपना एजुकेशन छोड़ता है, तो वापस आकर के उसको फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू करना नहीं पड़ेगा, वहीं से वो आसानी से सेकंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकता है। तो इससे कई सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। स्किल लर्निंग को, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग को और यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हम लोग रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को हम लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जो कि हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में यार इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सारे के सारे चीजें यार पेपर पे सुनने को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को पॉसिबल कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस चीज को सही तरीके से ऑन फील्ड यार अप्लाई कर देते हैं, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यार आ जाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा। इस चीज को लेकर पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, लेकिन ऑन फील्ड यार एक चीज को इंप्लीमेंट कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट के आपको ऐसे कई सारे पॉलिसीज मिल जाएंगे जिनको ऑन ग्राउंड अप्लाई कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ये सारे के सारे पॉलिसी जो हमने अभी डिस्कशन किया है, उनको ऑन ग्राउंड सही तरीके से अप्लाई कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किन स्टेप्स को वो लेता है, कैसे वो सही तरीके से इन सभी पॉलिसीज को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करता है। अब ये सारे के सारे चीजें आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इस चीज को लेकर के आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार। इस चीज को लेकर के हम लोग यार एक हेल्दी डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। तो तब तक चलते हैं, सी आपको गुड डे एंड बाय।